हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आज फिर आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो भाई हमें मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। आओ फ्रेंड्स, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है? उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही इनडायरेक्ट बनाने देखेंगे कैसे बनते हैं। इसमें हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है कि सेड और सेड टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क या इंक्वायर्ड में। कन्वेंशन इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ या वेदर, वेदर की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज होता है। चाहो तो आप कहीं भी कर सकते हैं इफ या वेदर को, लेकिन बेसिकली एक कंडीशन होती है जहां पर और आ जाए। क्या आ जाए? और, जैसे राम और श्याम, या तो राम या श्याम। तो ऐसी कंडीशन में हम वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं, नहीं तो हर जगह आप इफ का यूज कर सकते हैं। सब जगह आप आस्कड़ का यूज कर सकते हैं, आस्क इफ या वेदर में जो सा आपको मन करे वो यूज कर, लेकिन अगर कहीं और आ जाए तो वहां पर फिर कभी आपको इफ का यूज नहीं करना है, वहां पर सिर्फ वेदर का यूज करना है। इसमें हमें प्रोनाउन टेबल की जरूरत पड़ेगी। इसमें भी हमें प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन के किसके साथ, सेकंड के किसके साथ, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट के सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो दोस्तों, आइए एक सेंटेंस लेके देखते हैं और समझते हैं कैसे क्या होता है। ही सेड टू मी, आर यू अ ग्रेट पोएट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ही सेड टू की जगह दोस्तों क्या करेंगे? सेड टू की जगह करेंगे या तो आस्क या एंक्वायर करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ। अभी हम दोस्तों सिंगल इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके कैसे इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं उसको समझ रहे हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ, अभी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। क्या है? सेकंड पर्सन का, और ये किसके साथ बदलता है? ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि जो हमारा यू है ये किससे बदलेगा? मी से। अब हमें जरूरत है किसकी? सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट बदल रहे हैं। हम क्या बदल रहे हैं? सब्जेक्ट बदल रहे हैं, और सब्जेक्ट किसके साथ बदल रहे हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमें नीड किसकी है? हमें नीड है सब्जेक्ट की, हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, इसलिए ये हमारे किस काम का नहीं है। तो हम कहां पर जाएंगे? मी के सब्जेक्ट के पास आएंगे। कहां पर आएंगे? हम मी के सब्जेक्ट के पास आएंगे। तो यू गया मी के पास, मी ने भेजा आई के पास कि तुम्हारे मतलब का जो भी सामान है वो कहां पर है? आई है। तो हम आई को लेके आ जाएंगे, किसकी जगह? यू की जगह। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई। अब इस सेंटेंस में एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है हमें? एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है वो काम? कि आपको सेंटेंस दे रखा है इंटरोगेटिव में। किसमें दे रखा है? इंटरोगेटिव में। कैसे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको सेंटेंस दे रखा है। और जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको इसको चेंज करना होगा अफर्मेटिव में। किसमें चेंज करना होगा? अफर्मेटिव में, या कह सकते हैं एजर्टिव में। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाएंगे। यानी कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, पूरे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका हमें यूज करना ही होगा। बस एक छोटा सा काम करना है हमको। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देंगे।
ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो बस कर देते हैं। अब ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने आई लिख लिया। अब आई के साथ क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर मेन वर्ब लेंगे। तो आई के साथ आएगा वॉज, क्योंकि हमारा पास्ट में है तो हम इसको भी पास्ट में चेंज करेंगे। तो आई वॉज ए ग्रेट पोएट, इफ आई वॉज ए ग्रेट पोएट। एक और देख लेते हैं दोस्तों, चित्रा सेड, चित्रा सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, डिड रितु विजिट द रेड फोर्ट यस्टरडे, डिड रितु विजिट द रेड फोर्ट यस्टरडे, डिड रितु विजिट द रेड फोर्ट यस्टरडे। बस करते हैं इसको। चित्रा सेड की जगह क्या करेंगे दोस्तों, सेड की जगह आस्क करूंगा, सेड हो चाहे सेड टू हो, आस्क या इंक्वायर्ड में से किसी एक का यूज करेंगे। तो यहां पर सेड का सेड रहेगा। कंजंक्शन हमारी क्या लगेगी, इफ या वेदर में से एक लगेगी। क्या लगेगी हमारी, इफ। इफ के बाद ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा प्रनाउन, प्रनाउन हमारा थर्ड पर्सन में है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में, क्योंकि इंटरोगेटिव से हमें किस में चेंज करना होता है, अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। इसलिए रितु को हमने पहले ले लिया क्योंकि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब भाइयों ये जो सेंटेंस है ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिटली, इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। क्यों करेंगे, क्योंकि भैया ये इसके नियम है, ये इसके कायदे कानून है, उससे हमें चलना पड़ेगा। तो रितु, रितु के बाद क्या आएगा, हेड, हेड के बाद क्या आएगा, विजिट, और विजिट की क्या लगेगी हमारी थर्ड फॉर्म, क्या लगेगी थर्ड फॉर्म, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट द प्रीवियस डे, कब, द प्रीवियस डे। फ्रेंड्स हम यस्टरडे को किस में चेंज कर देते हैं, प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। और यहां पर हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज कर दिया हमने, पास्ट परफेक्ट में। अब आप ये कहोगे कि इनको कैसे पता चले कि कौन सा किस में चेंज करना है, इसके ऊपर दोस्तों हमने एक वीडियो बना रखी है, जो सीरीज है रामबाण सीरीज की फर्स्ट वीडियो जो है वो इसी के ऊपर बिल्कुल तैयार है। उसमें हमने ये सब चीजें बता रखी है कि किसको किस में चेंज करना है, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ये सारी चीजें हमने फ्रेंड्स उसमें डिस्कस कर रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक भी हम आपके लिए डाल देंगे, आप एक बार उसको देख लेना और आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इनको समझने में। आइए आगे समझते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। सी सेड टू मी कैन यू टच द स्काई, सी सेड टू मी कैन यू टच द स्काई, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो सेड टू को फ्रेंड्स हम चेंज करते हैं आस्क में, किस में चेंज करते हैं आस्क में। तो यहां पर हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। तो सी आस्क्ड मी, कंजंक्शन क्या लगेगी, इफ। क्यों लगेगी इफ भैया, इसलिए लगे क्योंकि हमारा सिंगल इंटरोगेटिव है इफ। इफ के बाद ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। अब बात करते हैं यू, यू हमारे हमारा सेकंड पर्सन का प्रनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रनाउन को हम मी के साथ बदलेंगे। किसके साथ बदलेंगे, मी के साथ। देखो यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट, किसके साथ बदलते हैं हम सेकंड पर्सन के प्रनाउन को दोस्तों, ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। तो यहां पर क्या है हमारा यू, यू हमारा सब्जेक्ट है, बदल रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ आई, और कैन का क्या हो जाएगा हमारा कुड, क्या हो जाएगा कुड, और टच का टच रहेगा द स्काई। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे सी सेड टू मी, विल यू लिसन टू मी, सी सेड टू मी, विल यू लिसन टू मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सी सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। सी आस्क्ड मी इफ, अब ये यू सेकंड पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रनाउन है, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, लेकिन है हमारा सब्जेक्ट, नीड है हमें सब्जेक्ट की, तो हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मी का हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम मी का सब्जेक्ट लेते हैं, और मी का सब्जेक्ट होता है आई, आई के
आई के साथ हम यूज करते हैं सेल का, इसलिए यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, यहाँ पे सेल का शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल का शुड। अब सेल का शुड क्यों करते हैं भाई? बात ये आ जाती है, कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो सोचेंगे कि सेल का शुड कैसे होगा। एक रूल है जो क्या कहता है कि यदि हमारा रिपोर्टेड कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है? पास्ट में है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। अब ये किस में? हमारा पास्ट में। अब कैसे पता चला पास्ट में? भाइयों, जो सेड होता है वो पास्ट में होता है और जो से होता है वो हमारा प्रेजेंट में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब से विल का वुड नहीं होगा, यहां पर सेल का शुड होगा। शुड लिसन, लिसन टू। अब ये जो मी है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। अब जो फर्स्ट पर्सन के पन्नाउन होता है, ये क्या? फर्स्ट पर्सन के पन्नाउन हमारे सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे रहा, हम इसके साथ चेंज होंगे। अब जो मी है, मी को हम किसके साथ चेंज करेंगे? मी को हम सी के साथ चेंज करेंगे। अब हमें जरूरत है किसकी? ऑब्जेक्ट की। किसकी जरूरत है दोस्तों? ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को हम किससे बदल रहे हैं? सब्जेक्ट से। हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की, तो यहां पर हम सब्जेक्ट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की, इसलिए सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। तो हम क्या रखेंगे? हर को रखेंगे। क्यों? किसको रखेंगे हम दोस्तों? हर को रखेंगे। तो यहां पर क्या रख दिया इसको? हर। तो क्या बन गया हमारा? सी आस्क्ड मी इफ आई शुड लिसन टू हर। एक और देख लेते हैं। अब सेंटेंस ऐसे भी आपको दे सकता है, वर द प्लेयर्स प्लेइंग यस्टरडे, वर द प्लेयर्स प्लेयर्स प्लेइंग, वर द प्लेयर्स प्लेइंग यस्टरडे, वर द प्लेयर्स प्लेइंग यस्टरडे, और यहां पर लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, और यहां पर क्या लिख देते हैं? सेड, सेड सी, सेड सी। ये आपका एक सेंटेंस है। अब इसको करते हैं। भले ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आगे पीछे कर रखे हो, हमको बनाना कैसे है? सीधे ही बनाना है। तो क्या करेंगे? सी, सी के साथ क्या लगाएंगे? आस्क्ड इफ। अब इसको क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट है, तो क्या द प्लेयर्स हमारे थर्ड पर्सन के पर्नाउन है, तो इनमें चेंज नहीं होगा। वर हमारा क्या है? पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट कंटीन्यूअस को दोस्तों हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसको किस में चेंज कर देंगे हम? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग के बाद यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे। किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे, और फुल स्टॉप। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। एक और देख लेते हैं। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, रुचि डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, रुचि डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इस सेंटेंस में दोस्तों अब प्रॉब्लम ये आ जाती है आपके सामने कि भैया यहां पे तो हमारा सेकंड पर्सन का प्रनाउन है और आपने कहा है कि सेकंड पर्सन के प्रनाउन किसके साथ चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के साथ। अब ऑब्जेक्ट यहां पे दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यहां पे दिया नहीं है, तो क्या करें? अब जरा ध्यान से देखो इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस में क्या कहा है कि सी सेड रुचि, उसे पता है कि वो रुचि से बात कर रहा है, फिर भी उसका नाम ले रहा है। तो जो रुचि है ना, यही हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आपको सेंटेंस में ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें ऐसे रुचि, महेश, कपिल ऐसे नाम दे देगा और फिर उसी के बारे में बता देगा, फिर उसी के बारे में बता देगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसी को ही इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो बस ये रुचि यहां पे होगी, तो इसको लिखते हैं हम, ही आस्क्ड रुचि इफ। अब जब ये रुचि है तो इसके साथ चेंज करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा? सी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर चेंज हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट में। इफ सी हैड, वो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है, वॉच्ड टीवी, और लास्ट नाइट का क्या होता है? लास्ट नाइट का होता है द प्रीवियस नाइट। क्या होता है? द प्रीवियस नाइट।
फुल स्टॉप। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने समझा कि इंटरोगेटिव के जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अभी हम समझेंगे कि जो इंटरोगेटिव के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहां पर जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या होता है, जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ब, फिर क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसको भी जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव सेंटेंस या कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। तो उसका क्या रूल होता है, हमारा स्ट्रक्चर इसको किस में चेंज करेंगे, हम ऐसे चेंज करेंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड का क्या होगा, अब इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगेगी, जो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं यही हमारे किसका काम करेंगे, यही हमारे कंजंक्शन का काम करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंजंक्शन क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन वर्ड हमारे किसका काम करेंगे, कंजंक्शन का काम करेंगे। तो आइए समझते हैं एक सेंटेंस के जरिए, आकाश सेड टू मी वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या करेंगे हम, आकाश से टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आकाश आस्क्ड मी। अब जो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, जो ये हमारा यहां पे क्वेश्चन वर्ड है, इसी को भी हम एज इट इज लिख देंगे एज ए कंजंक्शन, कैसे, कंजंक्शन के लिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, वेयर, वेयर के बाद ये हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रनाउन, इसको चेंज करते हैं मी के साथ। अब जब हम सेकेंड पर्सन के प्रनाउन को मी के साथ चेंज करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, अब आपको आपको अच्छे से पता चल गया होगा ना क्या आएगा, देखो फिर भी देख लेते हैं, यू को मी से चेंज करा तो क्या आएगा, हमारा आई आएगा, क्या आएगा आई, क्योंकि हमें नीड किसकी है, सब्जेक्ट की। तो यहां पर क्या आया, आई। अब ये यहां पर क्या लिखा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिव, लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आगे एक बार फिर समझ लेते हैं, आकाश सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो इसमें क्या करेंगे, आकाश सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, और मी जो क्वेश्चन वर्ड है ये हमारा ऐसे ही कंजंक्शन का काम करेगा, ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रनाउन है जो ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा, ये यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, तो हमें नीड सब्जेक्ट की है, तो हम मी का सब्जेक्ट लेंगे, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने लिख रखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें जब इनडायरेक्ट करते हैं तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो वेयर आई लिव, एक सेंटेंस वो देख लेते हैं, पारुल सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है, तो क्या करेंगे, पारुल सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी तो लिखा है, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, पारुल आस्क्ड मी, पारुल आस्क्ड मी। तो ये कंजंक्शन जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा। अब जो योर है ये किससे बदलेगा, मी से बदलेगा। अब जो योर है ना ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, योर नेम को मी से बदलेंगे, ये यहां पर पोजेसिव केस है, क्या है ये हमारा, पोजेसिव केस। जो योर है ये किस किस से बदल रहा है, मी से बदल रहा है। अब हमें जरूरत किसकी है, पोजेसिव केस की, तो हम मी को नहीं लेंगे, हम मी का माई लेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है पोजेसिव केस की। तो हम क्या करेंगे, व्हाट, फिर क्या लिखेंगे, माई नेम इज का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वोज हो जाएगा, और फुल स्टॉप। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, वी सेड टू द मास्टर
कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट व्हेन विल द ट्रेन अराइव व्हेन विल द ट्रेन अराइव क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज तो वी से टू का क्या करेंगे आस्क्ड लगाएंगे वी आस्क्ड द मास्टर यही है हमारा क्वेश्चन वर्ड यही किसका काम करेगा कंजंक्शन का काम करेगा तो यहां पर क्या लिखेंगे हम व्हेन अभी हमारा जो ट्रेन है ये हमारा क्या है सब्जेक्ट अब ये थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे द ट्रेन और विल का क्या हो जाता है वुड यानी कि विल का पास्ट क्या होता है वुड और अराइव का अराइव रहेगा फुल स्टॉप सेंटेंस बनके तैयार एक और देख लेते हैं द किंग सेड टू द डकोइट द किंग सेड टू द डकोइट इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट Why did you kill the innocent people? Why did you kill the innocent people? Question mark inverted comma close. तो कैसे करेंगे The king said to को किस में चेंज करेंगे हम Asked में The decoit. Why? अब ये क्वेश्चन वर्ड है तो हमारा कंजंक्शन का काम करेगा वाई अब जो यू है यू किससे बदलेगा डेकोइट से तो यहां पर क्या लेंगे हम इसका पर नाउन लेंगे ही नाम की जगह पर नाउन लेगा ज्यादा अच्छा रहता है तो ही अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर क्या आएगा पास्ट परफेक्ट यानी के हेड और किल की थर्ड फॉर्म आ जाती है किल्ड द इनोसेंट इनोसेंट पीपल और फुल स्टॉप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं उसका सेशन कंप्लीट होता है आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे हमें जरूर सपोर्ट करोगे थैंक यू स्टूडेंट्स कल मिलते हैं